नमस्कार दोस्तों, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है आरआरबी जेई, एसएससी जेई या यूपी ट्रिपल एससी जेई की, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए कंबाइंड क्लासेस फ्लूइड मैकेनिक्स की जो प्रोवाइड कर रहा हूं और लगातार प्रोवाइड करता जा रहा हूं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटर तैयारी हो और आप ये एग्जाम क्रैक कर दें, तो आज ही हमारे साथ जुड़िए और तुरंत जो है सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है गाइस। तो स्वागत है आपका क्यूएस टेक्निकल एकेडमी में और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस, ठीक है गाइस। और आज का हमारा टॉपिक है वो है नोच एंड वेयर, नोचेस एंड वेयर। इससे पहले मैं बहुत सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, वन बाय वन आपको क्लास दे रहा हूं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नोच एंड वेयर, ठीक है। तो आज हम नोच और वेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये नोचेस एंड वेयर है, ये क्या है, ठीक है, क्या है। तो नोचेस और वेयर्स दोनों ही डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने की डिवाइस है। क्या है? डिस्चार्ज को या रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने की डिवाइस है। ये डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो यानी क्यू की वैल्यू को नापती है, मेजर करती है, ठीक है। अब दोनों ही डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो नाप रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है हम ये देखेंगे, ठीक है। तो जो नोच होता है, जो नोचेज है, वो क्या है, स्मॉल टैंक में या स्मॉल चैनल में रेट ऑफ फ्लो मेजर करती है, स्मॉल टैंक में या स्मॉल चैनल में रेट ऑफ फ्लो मेजर करती है। और अगर इसके अपोजिट हम वेयर की बात करें, तो वेयर एक कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है। ये लार्ज चैनल्स में या डैम में आपका जो है रेट ऑफ फ्लो नापने के काम आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नोचिस जो है स्मॉल एप्लीकेशन है और वेयर जो है लार्ज एप्लीकेशन है, क्लियर है। अब देखिए, जैसे अब इसको समझते हैं ये होते कैसे है, तो इसको समझने के लिए मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। नोच और वेयर कई तरह की होती है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में आगे बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो जो मैंने आपको दो डायग्राम दिखा रखे हैं, एक रेक्टेंगुलर नोच का है और एक रेक्टेंगुलर वेयर का है, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखकर हमें एक आइडिया तो लग ही रहा है कि जो वेयर होती है वो एक क्लोज स्ट्रक्चर है और जो नोच होती है वो एक क्लोज स्ट्रक्चर है और जो वेयर होता है वो एक ओपन स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वेयर है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, इसको डैम में, अब डैम में क्लोज तो कर नहीं सकते आप, जैसे डैम में या लार्ज क्रॉस सेक्शन के चैनल्स में रेट ऑफ फ्लो मेजर किया जाता है। ये स्मॉल में किया जाता है इसलिए ये क्लोज होता है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर नोच हो गई, ये रेक्टेंगुलर वेयर हो गया, ये एक क्लोज स्ट्रक्चर है, ये एक ओपन स्ट्रक्चर, इतना क्लियर है। रेट ऑफ फ्लो दोनों ही डिस्चार्ज को मेजर करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहां कहां से निकलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें देखने कहां कहां से निकलेंगे, तभी हमारा एग्जाम क्रैक होगा, हमें की पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। तो की पॉइंट यह है कि जैसे ये हमारा नोच है, इसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है। अगर देखिए क्लोज स्ट्रक्चर है तो क्लोज स्ट्रक्चर में से वाटर फ्लो होगा, दैट इज क्लोज स्ट्रक्चर के थ्रू वाटर फ्लो होगा। और वेयर ओपन है तो इसके ओवर ऊपर से वाटर फ्लो होगा, क्योंकि ओपन है, ठीक है। तो वाटर की जो लेयर नोच के थ्रू या वेयर के ऊपर से फ्लो करती है, अपर लेयर वाटर की, देखिए ये अपर लेयर है नोच के थ्रू, यानी नोच के तो अंदर से जाएगी और वेयर खुला है तो वेयर के ऊपर से जाएगी, क्लियर है। तो वाटर की जो लेयर नोच के थ्रू या आपके वेयर नोच के थ्रू या वेयर के ऊपर से फ्लो करती है, उसको हम नेप या वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो नेप कह लो या वेन कह लो, ठीक है। अब दूसरी बात आती है क्रीस्ट या सिल किसे कहते हैं, क्रीस्ट या सिल, ठीक है। अब क्रीस्ट या सिल की बात करें तो हम देखिए नोच की बॉटम लेयर, बॉटम एज कौन सी होगी, ये वाली सबसे नीचे वाली, ठीक है। नोच की बॉटम एज और वेयर की टॉप एज, क्योंकि वेयर एक ओपन स्ट्रक्चर है तो इसको बनाओगे तो यही बन के तो आएगा, एग्जैक्टली इतना ही दिखेगा। तो ये वाली एज है, ये क्या होगी, टॉप एज हो गई। तो आपकी नोच की बॉटम एज और वेयर की टॉप एज जिसके ऊपर से वाटर फ्लो करता है, यहां इसके ऊपर फ्लो कर रहा है वाटर, यहां इसके ऊपर फ्लो कर रहा है। तो ये जो है, अगर हमारा ये क्लोज स्ट्रक्चर है नोच, तो नोच क्लोज स्ट्रक्चर है तो इसकी तो ये बॉटम एज हो जाएगी, अगर ये ओपन है तो इसकी ये टॉप एज हो जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनी क्रीस्ट या सिल की, तो नोच की बॉटम एज या वेयर की टॉप एज, ठीक है, जिसके ऊपर से वाटर फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीस्ट या सिल। क्या बोलते हैं? क्रीस्ट या सिल। अब देखिए जो नेप है, इस नेप से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, जैसा कि मैं एक एक पॉइंट जैसे मैं आपको बताता जाता हूं हर लेक्चर में कि कहां कहां से कौन सा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे आपको नोट करने हैं, आप साथ के साथ पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, वो मैं सब आपको बताता हूं जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन रहे ना, ठीक है।
तो अगर देखिए, अगर नैप से कौन कौन से क्वेश्चन निकलेंगे, तो नैप से क्वेश्चन निकलने की बात है, तो अगर नैप के नीचे, नैप के नीचे अगर एटमोस्फियरिक प्रेशर है, क्या है एटमोस्फियरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब है, तो अगर उस हम नैप को क्या बोलेंगे, फ्री नैप, क्या बोलेंगे, फ्री नैप, ठीक है। अगर नैप के नीचे एटमोस्फियरिक प्रेशर है तो उसको हम बोलेंगे फ्री नैप, ठीक है। और अगर नैप के नीचे वायुमंडलीय दाब से एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है, अगर नेप के नीचे प्रेशर जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक है, अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्रेस्ड नोच, क्या बोलेंगे, डिप्रेस्ड नोच, अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम है तो, और अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो बोलेंगे फ्री नेप, ठीक है। ये दो क्वेश्चन निकल सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जैसे समझने के लिए मैं आपको बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूं, आप फर्श पे पानी डालो तो अगर धूल होगी वहां पर या एयर आ जाएगी, तो जहां एयर आ जाती है वहां बुलबुला बन जाता है, और जैसे बुलबुला बनता है तो क्या होता है, उतने बीच में सूखा रह जाता है, फ्लोर वेट नहीं होता, गीला नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब एयर पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाई है। तो नेप में क्या कंडीशन बनती है कि अगर नेप की सतह से एयर पूरी तरह से रिमूव हो जाए, और अगर पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा, पूरा वाटर उसको गीला कर देगा, यानी वेट हो जाएगी पूरी लेयर, यानी वाटर उस लेयर के साथ पूरी तरह से चिपक जाएगा उस एज के साथ। तो अगर नेप की सतह से एयर पूरी तरह रिमूव हो जाए तो वाटर की लेयर उसके साथ चिपक जाती है, एडियर हो जाती है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एडियरिंग नेप। क्या बोलते हैं, एडियरिंग नेप। तो एडियरिंग नेप क्या हो गई, अगर नेप की सतह से एयर पूरी तरह रिमूव हो जाती है तो वाटर की लेयर उसके साथ चिपक जाती है, इसलिए उसको एडियर नेप या क्लिंजिंग, चिपकना क्लिंज भी होता है, तो एडियर नेप या क्लिंजिंग नेप, क्लिंजिंग नेप भी कहते हैं, ठीक है। ये तो तीन चार क्वेश्चन ये हो गए आपके, यहां से निकल सकते हैं। अब इसके बाद आता है जितने टाइप्स के नोच और वेयर होते हैं उनसे डिस्चार्ज मेजर किया जा रहा है, रेट ऑफ फ्लो मेजर किया जा रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो मेजर करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, किस फॉर्मूले के थ्रू ये रेट ऑफ फ्लो मेजर करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, कौन सा इकोनॉमिक ज्यादा है, किसकी एफिशिएंसी कम ज्यादा होती है, कौन सा चैनल कहां हायर एफिशिएंसी पे होता है, कौन सा वेयर या कौन सा नोच, ये तीन चार तरह के क्वेश्चन निकलते हैं। ये वन बाई वन में आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब देखिए, तो जब मैं डिस्चार्ज या उनकी इकोनॉमी और उनकी एफिशिएंसी डिस्कस करूंगा तो टाइप्स ऑफ, मैंने बताया था कई टाइप के नोच और वेयर होते हैं, तो वो टाइप्स भी यहां लिखता जाऊंगा, तो क्लासिफिकेशन भी आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो पहला हम केस लेके चलते हैं, डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नोच और वेयर। तो अगर एक टाइप कौन सा हो गया नोच और वेयर का, रेक्टेंगुलर, या तो रेक्टेंगुलर नोच है या वेयर है, और रेक्टेंगुलर नोच और वेयर से जो डिस्चार्ज फाइंड करने का फॉर्मूला है वो दोनों के लिए सेम होता है। क्या होता है, दोनों के लिए सेम होता है। तो अगर हम रेक्टेंगुलर नोच और वेयर से डिस्चार्ज फाइंड कर रहे हैं, यानी क्यू, रेट ऑफ फ्लो, तो किस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड करेंगे, ये होगा आपका 2/3 CD। 2/3 CD क्या है, CD के बारे में मैंने आप पिछले डायनामिक्स ऑफ फ्लो के लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, क्या होता है कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, और कफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज, इनटू L इनटू √2G इनटू H। L क्या है, लेंथ ऑफ नोच और वेयर, लेंथ ऑफ नोच और वेयर, ठीक है, H की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपका बनेगा किसी रेक्टेंगुलर नोच या वेयर से आप अगर डिस्चार्ज फाइंड कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला भी सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप कॉमनली देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के, ठीक है। तो CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा, L क्या होगा, लेंथ ऑफ नोच और वेयर, जो नोच या वेयर आपने लगाया है उसकी लेंथ क्या है वो L से रिप्रेजेंट की जाएगी। G ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है, आपको पता है। H क्या है, H है हेड अवेलेबल अबव द नोच और वेयर, नोच और वेयर के ऊपर हेड कितना है, और हेड कहां से नापा जाएगा, बॉटम एज से नापा जाएगा, यानी क्रीस्ट से। तो हमेशा याद रखना, जो हेड नापा जाता है वो कहां से, क्रीस्ट। अभी क्रीस्ट बताया था मैंने आपको कि जो बॉटम एज होती है किसकी, नोच की, और टॉप एज होती है वेयर की, ठीक है। तो वहां से कितनी हाइट तक पानी है, वो हेड कितना है, वो आपकी एच की वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो ये आपका आप फॉर्मूला हो गया थ्रू द रेक्टेंगुलर नोच और वेयर, ठीक है। अगर दूसरा केस आता है इसमें, अगर हम ट्रायंगुलर की बात करें, दूसरी कैटेगरी होती है ट्रायंगुलर नोच और वेयर। दूसरी कैटेगरी क्या होती है, ट्रायंगुलर नोच और वेयर, यानी अब टाइप क्या हो गया आपका नोच और वेयर का, ट्रायंगुलर, यानी ट्रायंगुलर नोच या ट्रायंगुलर वेयर, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नोच या वेयर से अगर आप रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज मेजर कर रहे हो तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए, 8/15 इंटू CD,
8 बाई 15 इंटू सी डी, सी डी आपको पता है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब ये ट्राइंगुलर है तो इसमें एंगल भी आएगा, तो 10 थीटा बाई 2, थीटा क्या है एंगल ऑफ नोच, एंगल ऑफ नोच इंटू अंडर रूट 2g, जैसा कि पहले था अंडर रूट 2g। आपको देखिए इसमें एक दो फॉर्मूले याद करने हैं, सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो कैसे याद हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इंटू एच की पावर 5/2, एच की पावर 5/2, ठीक है, समझ लेते हैं। सीडी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो गया आपका, ठीक है। टेन थीटा, थीटा क्या होगा एंगल ऑफ नोच ऑफ वेयर, देखिए ट्राइंगुलर है तो देखिए इस शेप का होगा ये, तो ये जो एंगल है ये थीटा है आपका, ठीक है। तो एंगल ऑफ नोच और वेयर, और एच क्या है हेड ओवर द नोच और वेयर, हेड नोच या वेयर के ऊपर हेड कितना है वो आपका एच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा क्या होगा एंगल ऑफ नोच। अब देखिए इसमें ये एंगल थीटा हो सकता है, ये राइट एंगल भी हो सकता है, जैसे ये 90 डिग्री है, इसको ऐसे घुमा के रख दूं मैं तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये एंगल कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। तो अगर एंगल वी नोच का, इसको वी नोच भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर के साथ साथ क्या भी बोलते हैं वी नोच, क्योंकि ट्रायंगुलर बनाओगे तो उसमें वी शेप बनती है नीचे से, तो वी नोच भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये कहें कि अगर वी नोच का एंगल 90 डिग्री है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर वी नोच का एंगल 90 डिग्री है, तो इस केस के लिए हमेशा सीडी की वैल्यू 0.60 ही होती है, ये आपको याद रखना, इस केस के लिए जो सीडी की वैल्यू है वो हमेशा 0.60 ही होगी। तो अगर हम इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 90 और सीडी की जगह 0.60 रख दें, तो आपकी कैलकुलेशन होके जो निकल के आएगी वो आएगी 1.417 इंटू एच की पावर 5/2, 1.417 इंटू एच की पावर 5/2। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि राइट एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल होंगे एक दूसरे पे, तो राइट एंगल ट्रायंगुलर या वी नोच के लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1.417 इंटू एच की पावर 5/2 होगा, क्लियर है। दो क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन और इससे निकलता है। अब अगर कंपैरिजन कर लिया जाए कि जो आपका रेक्टेंगुलर नोच है और जो आपका ट्रायंगुलर नोच है, इसमें कौन सा बेटर है या कौन सा ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता है, कम से कम वैल्यू को, एक्यूरेट वैल्यू को नाप सकता है, तो हमेशा याद रखना जो ट्रायंगुलर नोच और वेयर होता है ये ज्यादा सेंसिटिव होता है, ट्रायंगुलर नोच और वेयर ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कंपैरिजन टू रेक्टेंगुलर नोच और वेयर, ट्रायंगुलर नोच और वेयर ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करता है, ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, अच्छा रिजल्ट देता है, वो अच्छा रिजल्ट देगा इसका मतलब क्या, इसकी एफिशिएंसी भी आपके रेक्टेंगुलर नोच और वेयर से ज्यादा होगी, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली कैटेगरी है आपकी ट्रेपेजोइडल, अगर अगला ये टाइप भी हो गया आपका ट्रेपेजोइडल नोच एंड वेयर। अगर हम ट्रेपेजोइडल नोच और वेयर की बात करें तो ट्रेपेजोइडल नोच और वेयर है तो इसकी शेप होगी, देखिए ट्रेपेजोइडल देखने में कैसा होता है, ये दो फॉर्मूले आप याद कर लो, सारे फॉर्मूले इन्हीं से बन जाएंगे आपके, जैसा कि मैंने कहा था आपको, ज्यादा ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ नोच और वेयर ज्यादा है तो ज्यादा फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ये आपकी ट्रेपेजोइडल शेप होती है, यानी नोच और वेयर का जो अब जो शेप है वो इस टाइप का है। अब इसका डिस्चार्ज आपको फाइंड करना है, इसका डिस्चार्ज फाइंड करना क्या करो, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर डालो नीचे वाली लाइन पर, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। अब देखिए बीच वाला हिस्सा क्या बनना है, एक रेक्टेंगुलर बनना है, तो रेक्टेंगुलर नोच और वेयर का जो फॉर्मूला होता है वो इतने हिस्से का डिस्चार्ज देगा, कितने का देगा इतने हिस्से का, और नोच और रेक्टेंगुलर का क्या होता है 2/3 इंटू सी डी इंटू एल इंटू अंडर रूट 2g इंटू एच की पावर 3/2, एच की पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए ये वाला हिस्सा एज इट इज यहां बना लो ऐसे है और ऐसे है, और ये वाला हिस्सा एज इट इज यहां बना लो ऐसे है और ऐसे है, तो ये ट्रायंगुलर बन गया, क्लियर है। तो ये दोनों मिला के एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये दोनों मिला के एक ट्रायंगुलर नोच का डिस्चार्ज देंगे, किसका ट्रायंगुलर नोच का, ये रेक्टेंगुलर का देगा, ये दोनों मिला के ट्रायंगुलर का दोगे, तो रेक्टेंगुलर का लिख लिया, इसमें ट्रायंगुलर का प्लस एड कर दो, एड कर देंगे, ट्रायंगुलर का क्या होता है प्लस 8y15 इंटू सी डी इंटू 10 थीटा बाई 2, 10 थीटा बाई 2 लिया था हमने, तो 10 थीटा बाई 2 इंटू अंडर रूट 2g इंटू एच की पावर 5/2 इंटू एच की पावर 5/2, तो ये दोनों मिला के ट्रायंगुलर बना रहा है, एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, तो रेक्टेंगुलर का और ट्रायंगुलर का जोड़ देंगे तो वो आपका ट्रेपेजोइडल का आपका क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसमें दो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यूज हो रहे हैं, तो इसको 1 मान लो फॉर रेक्टेंगुलर, इसको 2 मान लो फॉर ट्रायंगुलर, क्लियर है।
तो एक दो ही फॉर्मूला याद करने पड़ा, तीसरा अपने आप बन गया, क्लियर है। तो ट्रेपेजोइडल का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू आपको पता ही है, एल लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वेयर हो जाएगी, एच हेड ओवर द नोच और वेयर हो जाएगा, थीटा एंगल ऑफ वी नोच हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी में आपका आता है डिस्चार्ज ओवर अ स्टेप्ड नोच और वेयर। क्या आता है? स्टेप्ड नोच। ये सिर्फ नोच के लिए फॉर्मूला। स्टेप्ड नोच की बात करेंगे तो स्टेप्ड नोच कैसे होता है ना, स्टेप बाय स्टेप। एक बार हमने ये नोच लगाया, ठीक है, फिर दूसरी बार में ये नोच लगाया, फिर तीसरी बार में ये नोच लगाया, ऐसे ही नंबर ऑफ नोच लगते चले जाएं, ठीक है। मान लो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो एच वन है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो एच टू है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो एच वन है, क्लियर है। अब देखिए हमें क्या करना, देखिए अब ये तीन स्टेप दिख रहा है, हम कितने भी हो सकते हैं इसमें, अगर हमें तीन स्टेप दिख रहे हैं तो एक रेक्टेंगुलर नोच, दूसरा रेक्टेंगुलर नोच और तीसरा रेक्टेंगुलर नोच, तो तीन रेक्टेंगुलर नोच है, तीन रेक्टेंगुलर नोच के डिस्चार्ज को अगर आप जोड़ दोगे तो वो आपका स्टेप्ड, जो आपका स्टेप्ड वो है नोच है, ठीक है, उसका डिस्चार्ज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नोच का डिस्चार्ज निकालेंगे तो क्यू इक्वल्स टू पहले का जोड़ो, ठीक है, पहले का जोड़ेंगे तो टू बाई थ्री, रेक्टेंगुलर वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, सी डी इंटू एल इंटू अंडर रूट टू जी इंटू एच की पावर थ्री बाई टू। अब पहले के लिए एच कितना होगा, एच वन में से टोटल ये एच टू घटा दो, एच वन में से एच टू घटा दो, तो इसके लिए यही वैल्यू बचेगी और यही हेड है, इसका क्रिस्ट क्या होगा, यही तो होगा, और इसके ऊपर कितनी हाइट है पानी की, ये हाइट है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी यहां एच वन माइनस एच टू, H1 माइनस एच टू, यानी H1 की पावर 3 बाई टू और H2 की पावर 3 बाई टू, क्लियर है। प्लस दूसरे का जोड़ो, दूसरे का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H3 होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 बाई थ्री इंटू सी डी इंटू एल, ये भी रेक्टेंगुलर सेम फॉर्मूला रहेगा, और यहां क्या हो जाएगा H2 माइनस H3 की पावर 3 बाई फोर, 3 बाई टू सॉरी, यानी H2 माइनस H3 हो जाएगा दूसरे के लिए, ठीक है। ऐसे ही प्लस तीसरे की बात करें तो 2 बाई थ्री सी डी इंटू एल इंटू अंडर रूट टू जी इंटू, अब तीसरे के लिए एक ही वैल्यू बची तो ये क्या हो जाएगी आपकी H3, ये H2 है, यहां से ये H3 एक्चुअली यहां से यहां तक होगी, यहां से यहां तक H3 होगी, तो इसके लिए सिर्फ यही वैल्यू बची, दैट इज H3 की पावर 3 बाई टू। तो तीन रेक्टेंगुलर नोच का डिस्चार्ज हमने जोड़ दिया तो वो हमारा क्या बन गया, स्टेप नोच का डिस्चार्ज बन गया। क्या बन गया? स्टेप नोच का डिस्चार्ज बन गया, ठीक है। अब देखिए यहां से कुछ और संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जहां जहां जो क्वेश्चन निकलता जा रहा है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन निकल सकता है, अब जो हेड आप मेजर कर रहे हो वो जरूरी नहीं है कि एकदम प्रिसाइज मेजर कर रहे हो, उसको मेजर करने में 19-20 जैसे आपने देखा कि कहां तक है, तो आप स्केल लगाओगे तो आपको पानी का लेवल देखने में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो हेड को मेजर करने में कुछ हल्का सा डिफरेंस हो जाता है, एरर होता है, तो एरर तो हर इंस्ट्रूमेंट में होता है, तो वो एरर हो जाता है। तो अगर आप डिस्चार्ज नापने में एरर क्रिएट कर रहे हो तो उस एरर की वजह से जो सॉरी हेड को नापने में जो डिस्चार्ज एरर क्रिएट कर रहे हो हेड को नापने के लिए, तो उस हेड में एरर की वजह से डिस्चार्ज के फॉर्मूले में कितना एरर क्रिएट होगा। देखिए अगर आपने हेड में गलती की है तो डिस्चार्ज के में भी डिफरेंस आएगा, क्रिएट आएगा, तो हेड में जो एरर है उसकी वजह से डिस्चार्ज में एरर कितना होगा, तो इसको हम बोलते हैं एरर ड्यू टू मेजरमेंट, एरर ड्यू टू मेजरमेंट इन हेड ऑन डिस्चार्ज। अगर हेड को नापने में गलती कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से डिस्चार्ज में कितना एरर क्रिएट होगा, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कितना एरर क्रिएट होगा। अब इसमें दोनों कंडीशन लेंगे, पहले रेक्टेंगुलर नोच और वेयर के लिए लेते हैं, रेक्टेंगुलर नोच और वेयर, तो अगर हम रेक्टेंगुलर नोच और वेयर के लिए लिए तो हेड में जो एरर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से जो डिस्चार्ज में एरर क्रिएट होगा वो होगा 3 बाई टू डी एच ओवर एच, 2 बाई थ्री डी एच ओवर एच, ठीक है, 3 बाई टू डी एच ओवर एच। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब यह है कि डी एच क्या है, डिफरेंस ऑफ हेड, कितना आपने डिफरेंस क्रिएट किया है नापने में, ठीक है, डिफरेंस ऑफ हेड क्या है, और एच क्या है, एक्चुअल हेड कितना है,
ठीक है, तो 3/2 यानी 3/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.5 आएगा, क्या आएगा 1.5, ठीक है। तो अगर आप हेड को नापने में, हेड को नापने में डीएच का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो तो आपके डिस्चार्ज में 1.5 का डिफरेंस क्रिएट होगा। यानी अगर आपको हेड को नापने में 1% का एरर है तो आपके डिस्चार्ज में 1.5% एरर, 1.5% एरर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके हेड को नापने में 1% एरर है तो डिस्चार्ज को नापने में 3/2 यानी 1.5% एरर क्रिएट होगा। अगर हम बात करें इसके अलावा ट्रायंगुलर नोचर वेयर की, किसकी? ट्रायंगुलर नोचर वेयर की। ट्रायंगुलर और नोचर वेयर के लिए वैल्यू हो जाती है 5/2 डीएच ओवर एच। डीएच ओवर क्या, एच ओवर क्या है, ये डिफरेंस ऑफ हेड, यानी हेड को नापने में कितना डिफरेंस क्रिएट किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5/2 का क्या मतलब है 2.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिस्चार्ज को नापने में 1% एरर क्रिएट कर रहे हो तो आपके डिस्चार्ज में 2.5 यानी 2.5% एरर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। कितना? 2.5%। तो ट्रायंगुलर में अगर 1% एरर कर रहे हो तो 2.5% एरर होगा डिस्चार्ज में, और रेक्टेंगुलर में अगर हेड में 1% एरर कर रहे हो आप तो आप उसके डिस्चार्ज में 1.5% एरर होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको याद करने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेक्स्ट कंडीशन आएगी आपकी कि डिस्चार्ज, अब हम वेयर की बात करें तो डिस्चार्ज थ्रू सिप्लॉक्टी वेयर, डिस्चार्ज थ्रू सिप्लॉक्टी वेयर, यानी जो आपका सिप्लॉक्टी वेयर है उसके थ्रू डिस्चार्ज कितना होगा। तो एक चीज हमेशा नोट रखना है, यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, सिप्लॉक्टी वेयर को लगभग रेक्टेंगुलर वेयर माना जाता है। क्या माना जाता है? लगभग रेक्टेंगुलर वेयर माना जाता है। हमेशा याद रखना, सिप्लॉक्टी वेयर को लगभग रेक्टेंगुलर वेयर माना जाता है। ठीक है, तो जब रेक्टेंगुलर वेयर माना जाएगा तो इसका डिस्चार्ज क्या होगा, जो रेक्टेंगुलर वेयर का होता है, और रेक्टेंगुलर वेयर का डिस्चार्ज क्या होता है, 2/3 CD इंटू एल इंटू अंडर रूट 2G इंटू एच की पावर 3/2। यही आपका जो है सिप्लॉक्टी वेयर का हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको दो ही फॉर्मूले याद करने, बाकी सारे आपके इसी से बनते चले जा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निकलेगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। तो हमें पहले यह जानना है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती क्या है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है कि वाटर नोच या वेयर के ऊपर फ्लो होने से पहले वहां तक जिस वेलोसिटी से पहुंचता है। सपोज दैट ये आपका नोच और वेयर, कोई भी नोच या वेयर लगा हुआ है, अब वाटर यहां से चल के जा रहा है तो इसके ऊपर यहां से फ्लो होना स्टार्ट करेगा, तो इसके ऊपर फ्लो होने से जस्ट पहले जिस वेलोसिटी से यहां पहुंचा है, जिस वेलोसिटी से यहां पहुंचा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी कोई भी वाटर जब नोच या वेयर के ऊपर से फ्लो होने से पहले जिस वेलोसिटी से वहां तक पहुंचता है, जिस वेलोसिटी से वहां तक पहुंचता है, उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखिए, वेलोसिटी और वेलोसिटी की वजह से एक हेड क्रिएट होता है, जो मैं आपको वर्नोली इक्वेशन बताया था, जिसको बोलते हैं काइनेटिक हेड। तो हेड ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको HA से डिनोट करते हैं, हेड ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक हेड क्रिएट होता है, और काइनेटिक हेड आपने वर्नोली इक्वेशन में पढ़ा होता है v2/2g। अब v या कौन सी होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी जिस वेलोसिटी से नोच या वेयर से पर फ्लो होने से पहले वो पहुंचा है, इसलिए va लगा देंगे। तो हेड ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा आपका va2/2g। ठीक है, va2/2g। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है गाइज, क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसीडर करें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को अगर हम कंसीडर करें तो डिस्चार्ज क्या होगा नोच या वेयर के थ्रू, अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसीडर करें तो डिस्चार्ज क्या होगा नोच और वेयर के थ्रू। तो दो केस बनते हैं, पहले रेक्टेंगुलर नोच ले लो, अगर हम रेक्टेंगुलर नोच या वेयर ले रहे हैं और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसीडर कर रहे हैं तो आपका डिस्चार्ज हो जाता है 2/3 इंटू सीडी इंटू एल इंटू अंडर रूट 2g इंटू, ठीक है, अब h में डिफरेंस आता है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ h, वेलोसिटी जो ऑफ अप्रोच है वो भी हेड को क्रिएट कर रही है, और एक हेड हमारे पास पहले से है, ठीक है, जो नोचिया वेयर के ऊपर है h, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला हेड जोड़ देंगे, की पावर 3/2 है तो 3/2 रहेगा, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करने से इतनी वैल्यू घटानी भी पड़ेगी, तो h की पावर 3/2 घटा भी देगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसीडर करें तो रेक्टेंगुलर डिस्चार्ज के थ्रू आपका वो रेक्टेंगुलर नोच या वेयर के थ्रू जो डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, यानी 2/3 सी डी एल अंडर रूट 2g एच प्लस एच ए की पावर 3/2 माइनस एच ए की पावर 3/2। इस फॉर्मूले को दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है, हमेशा याद रखना, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला विद वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला विद वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सिप्लोक्टिव एयर के लिए अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसीडर कर रहे हैं, सिप्लोक्टिव एयर के लिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में सिप्लोक्टिव एयर के थ्रू डिस्चार्ज कितना होगा? और मैंने अभी आपको जस्ट बताया सिप्लोक्टिव एयर को लगभग रेक्टेंगुलर वेयर माना जाता है, ठीक है, तो कितना डिस्चार्ज होगा? सेम होगा, जो रेक्टेंगुलर का है वही सिप्लोक्टिव का होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम बात करते हैं वेयर की, तो वेयर में मैंने आपको बताया था कि लार्ज क्रॉस सेक्शंस पर डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ टाइप वेयर के ऐसे हैं जो नोच में कॉमन नहीं है, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वही टाइप नोच में थे, वही वेयर में थे, ठीक है, लेकिन जब लार्ज क्रॉस सेक्शन की बात होती है तो कुछ टाइप जो वेयर के होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, जैसे डिस्चार्ज ओवर ब्रॉड क्रीस्टेड वेयर। अब इसमें नोच नहीं होगा, ये वेयर ही होगा, ब्रॉड क्रीस्टेड। अब हमें यह समझना है दो तरह के होते हैं, एक ब्रॉड क्रीस्टेड एक नैरो क्रीस्टेड। तो ब्रॉड क्रीस्टेड क्या होगा और नैरो क्रीस्टेड क्या होगा, पहले तो वो कंडीशन पता होना चाहिए, वहां से भी आपका क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, सपोज दैट ये हमने क्या किया, एक वेयर लगाया, वेयर क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है कंक्रीट का, तो ये आपका वेयर है, इसके ऊपर से वाटर फ्लो होगा। मान लो वेयर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, वेयर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, यहां से वाटर फ्लो के आ रहा है और इसके ऊपर से ऐसे फ्लो के जा रहा है, ठीक है, ये इसके ऊपर से फ्लो के जा रहा है। तो एक्चुअल हेड जो अवेलेबल है नोच वेयर के ऊपर उसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और वेयर के मिड में जो हेड है उसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। जब वाटर वेयर के ऊपर से फ्लो हो रहा है उस समय वेयर के मिड पर क्या हेड होगा वो स्मॉल एच होगा, और एक्चुअल हेड जो अवेलेबल है उसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और एल क्या है, लेंथ ऑफ वेयर। ठीक है, अब यहीं से आपकी कंडीशंस बनना शुरू होंगी। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन ये है कि यदि 2 × L की वैल्यू एच से ज्यादा है, लेंथ ऑफ वेयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो वैल्यू अगर कैपिटल एच यानी हेड अवेलेबल से ज्यादा है, ठीक है, तो हमेशा ये आपका ब्रॉड क्रीस्टेड वेयर बनेगा। कैसा बनेगा, ब्रॉड क्रीस्टेड वेयर। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि 2 × L यानी लेंथ के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद भी अगर ये वैल्यू हेड अवेलेबल कैपिटल एस से कम है यानी 2L इज लेस देन एच, तो हमेशा आपका नैरो क्रीस्टेड वेयर बनेगा। कैसा बनेगा, नैरो क्रीस्टेड वेयर बनेगा आपका, क्लियर है। अब देखिए इनके थ्रू डिस्चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, ये क्लियर हो गया, ब्रॉड क्रिस्टेड 2L इज ग्रेटर देन H और नैरो क्रिस्टेड 2L इज लेस देन H। ठीक है, तीसरी चीज ये भी याद रखनी है आपको कि स्मॉल H क्या है, कैपिटल H तो हेड अवेलेबल है, स्मॉल H क्या है, स्मॉल H है आपका वेयर के मिड में जो वाटर की हाइट है, वेयर के मिड में जो वाटर की हाइट है वो आपकी स्मॉल H है। ठीक है, अब इसके थ्रू डिस्चार्ज हमें निकालना है। ठीक है, तो डिस्चार्ज थ्रू ब्रॉड क्रिस्टेड वेयर, ब्रॉड क्रिस्टेड वेयर के थ्रू अगर आप डिस्चार्ज निकालोगे तो ये होता है CD × L × अब देखिए, अब बाकी वैल्यू जो है थोड़ा सा हमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो याद रखना बाकी वैल्यू जो है अंडर रूट 2g था पहले, तो 2g ही रहेगा अंडर रूट के अंदर, लेकिन बाकी वैल्यू भी अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे। क्या, कैपिटल H इंटू स्मॉल H, कैपिटल H आपको पता है हेड अवेलेबल ओवर द वेयर, और स्मॉल H क्या है, हेड ऑन मिड ऑफ वेयर, हेड ऑन मिड ऑफ वेयर का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस स्मॉल H का क्यू, ये आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा, किसके थ्रू, ब्रॉड क्रिस्टेड वेयर के थ्रू। ठीक है, ब्रॉड क्रिस्टेड वेयर के थ्रू ये आपका डिस्चार्ज होगा। अब इसमें एक कंडीशन और है कि डिस्चार्ज मैक्सिमम कब होगा, ये क्वेश्चन भी निकलता है कि ब्रॉड क्रिस्टेड वेयर के थ्रू मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन क्या है। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज अगर होगा तो जो एच की वैल्यू है वो 3/2 × H के बराबर होगी। ठीक है, स्मॉल एच की वैल्यू 3/2 × H के बराबर होगी, उस समय चैनल का जो डिस्चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा वेयर का।
क्लियर है, ये कंडीशन बनती है, ये भी पूछी जा सकती है आपसे, मैक्सिमम डिस्चार्ज आपका यहां से देगा। तो इस केस में अगर एच की स्मॉल एच की जगह इस फॉर्मूले में 3/2 इंटू कैपिटल एच रख दें तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा। तो क्यू मैक्स क्या निकल के आएगा, 1.705 इंटू सी डी इंटू एल इंटू एच की पावर 3/2, 1.705 इंटू सी डी इंटू एल इंटू एच की पावर 3/2, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये तीन कंडीशन बनती है, यहां से तीन क्वेश्चन निकल सकते हैं, ये तीनों आपको याद रखने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा टाइप है इसमें नैरो क्रिस्टेड का, ब्रॉड का तो आप समझ गए, अब नैरो क्रिस्टेड इसकी भी कंडीशन मैंने आपको बताई है, यानी 2L इज लेस देन H, वो नैरो क्रिस्टेड होगा। तो हमेशा याद रखना नैरो क्रिस्टेड वेयर को लगभग रेक्टेंगुलर नोच माना जाता है, सेम इसमें भी नैरो क्रिस्टेड वेयर को रेक्टेंगुलर वेयर के समान ही माना जाता है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू रेक्टेंगुलर वेयर, किसके समान माना जाता है, रेक्टेंगुलर वेयर के समान माना जाता है। तो जो रेक्टेंगुलर वेयर का फॉर्मूला होगा डिस्चार्ज का वही इसका हो जाएगा, दैट इज 2/3 इंटू सी डी इंटू एल इंटू टू जी इंटू एच की पावर 3/2, एच की पावर 3/2, ठीक है। वेयर का एक एडिशनल टाइप भी होता है जो नोच में नहीं होता, जब हम डैम लार्ज साइज के जो डैम होते हैं उनमें यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओजी वेयर। क्या बोलते हैं, ओजी वेयर। तो हम बात करेंगे डिस्चार्ज थ्रू ओजी वेयर। एक चीज हमेशा याद रखना है, यहां से भी यह क्वेश्चन बनता है कि ओजी वेयर का यूज हमेशा डैम में ही किया जाता है, किसमें, डैम में, बांध जो होते हैं उन्हीं में ओजी वेयर का यूज किया जाता है डिस्चार्ज को नापने के लिए, ओजी वेयर का यूज हमेशा डैम में किया जाता है, यह भी यहां से क्वेश्चन निकलता है। अब बात आती है कि ओजी वेयर होता कैसे, ठीक है। यह हमारा सरफेस है, यहां से हम वेयर का सर्फ इस टाइप से बन के आता है ओजी वेयर, ठीक है, इस टाइप से आपका ओजी वेयर बन के आता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से वाटर फ्लो के आएगा, देखिए यहां से वाटर फ्लो के आ रहा है, ये ऐसे फ्लो के इसके ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल हेड अवेलेबल कितना है, वाटर की हाइट कितनी है। इसके बाद देखिए इसका जो स्लोप आपको दिख रहा है, जो स्लोप दिख रहा है वो कितना होता है, देखिए यहां से स्लोप लेना स्टार्ट किया है इसने और यहां जाके स्लोप खत्म हो गया है, तो ये वैल्यू कितनी होती है, यहां से भी ये क्वेश्चन बनता है स्लोप की वैल्यू। तो ये 0.115 ऑफ कैपिटल एच रखी जाती है, स्लोप की वैल्यू कितनी रखी जाती है, 0.115 इंटू कैपिटल एच, कैपिटल एच की 0.115। अब ये स्लोप क्या है, वेयर की टॉप एज है और टॉप एज को क्या बोलते हैं, क्रीस्ट। तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ क्रीस्ट कितना होगा, तो हाइट ऑफ क्रीस्ट, तो ओजी वेयर में हाइट ऑफ क्रीस्ट का भी फॉर्मूला पूछा जाता है, वो कितनी होती है, 0.115 इंटू कैपिटल एच, ये, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, ओजी वेयर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको लगभग रेक्टेंगुलर के समान माना जाता है, किसके समान माना जाता है, रेक्टेंगुलर के समान माना जाता है। तो रेक्टेंगुलर के समान माना जा रहा है तो इसका डिस्चार्ज क्या होगा, जो रेक्टेंगुलर का होगा, क्लियर है। तो रेक्टेंगुलर क्या क्या होता है, 2/3 इंटू सी डी इंटू एल इंटू अंडर रूट टू जी इंटू एच की पावर 3/2, क्लियर है। तो आपको बस तीन फॉर्मूले याद करने पड़े, तो बस आपको ये करना, ये याद रखना है कि रेक्टेंगुलर के समान किस किस को माना जाता है, एक तो रेक्टेंगुलर खुद हो गया, एक सिप्लॉक्टी वेयर को माना जाता है, एक ब्रॉड क्रिस्टेड वेयर को माना जाता है और एक ओजी वेयर को रेक्टेंगुलर के समान माना जाता है। तो इन सबके थ्रू जो आपका डिस्चार्ज होगा वो रेक्टेंगुलर वाला ही होगा, और जितने टॉपिक से जहां जहां से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको सब क्लियरली बता दिया, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिससे आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी होती रहे। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।